मित्रों रामचरितमानस पढ़ने से क्या फायदे हैं? लोग कहते हैं कि क्यों पढ़े। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप रामचरितमानस का पाठ आप रोजाना कीजिएगा तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी आदतें हैं, जितने भी लत हैं, चाहे जुआ खेलने का लत हो, शराब पीने का लत हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक चौपाई भी अगर रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा तो सारी बुराइयां स्वतः अपने आप बिना प्रयास के ही समाप्त हो जाएगी। सिर्फ रामचरितमानस का पाठ करना है। रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है उस घर में भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ती है, उस घर में बीमारियां कम होती है, आरोग्य बढ़ता है। रामचरितमानस की अगर आरती देसी घी का दीपक जलाकर अगर प्रतिदिन करते हैं उस घर में श्री राम की कृपा सदैव प्राप्त रहती है। ऐसे रामायण रामचरितमानस पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। इसको वही पढ़ सकते हैं जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिसको प्रभु में आस्था हो। रामचरितमानस लिखते समय अभी का जो परिस्थिति है उसे गोस्वामी जी ने अपने आंखों से देखा। बहुत दिन नहीं हुआ है रामचरितमानस लिखे हुए। संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा नवमी भौम बार मधुमासा अबधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत शक संबत 1631। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सामाजिक समरसता बनाए हुए रखता है। इसमें एक शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य, पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, सारी बातें इसमें निहित है। थोड़ा सा प्रयास करना है, कोशिश करना है कि एक चौपाई रोज पढ़े। धीरे धीरे अपने आप उसमें रम जाएंगे। आपकी इच्छा होगी मैं रामचरितमानस को रोज पढ़ूं। मैं आग्रह करता हूं, आप लोगों से सादर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि पढ़ के तो देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि मैंने रामचरितमानस पढ़ा और हमारी बुराइयों का खात्मा नहीं हुआ। तब उस समय जो कहना होगा आप मुझे कहिएगा। अभी आपसे विनती करते हैं कि एक चौपाई रामचरितमानस का पाठ सब काम करते हुए, अपने रोजी रोजगार को करते हुए, नौकरी पेशा वाले नौकरी को करते हुए, खेती वाले कृषक खेती को करते हुए, उसी में से समय निकाल के भाव कुभाव अनखालस हूं नाम जपत मंगल दिशी दस हूं। भाव से कुभाव से एक चौपाई पढ़िए, सदा मंगल ही मंगल होगा। तो बोलिए जय सियाराम, जय जय सियाराम।